इस बिजनेस में सफल होने के लिए हर इंसान दो फेज से होके गुजरता है। पहला, वैसे तीन फेज में बोल सकता हूं उसको। सबसे पहला फेज होता है कि जब आप इस कंपनी में एज ए फ्रेशर ज्वाइन करते, एक डिस्ट्रीब्यूटर की तरह ज्वाइन करते, आपके किसी रिश्तेदार ने प्लान दिखाया, आपके किसी दोस्त ने प्लान दिखाया, आपने इस कंपनी को ज्वाइन कर दिया और ज्वाइन करने के बाद ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया और अपना कोई ना कोई प्रोडक्ट आपने मंगाया, और प्रोडक्ट मंगाने के बाद वो प्रोडक्ट हो सकता है आपने इस्तेमाल भी ना किया हो। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो किसी भी कंपनी से जुड़ जाते हैं, उसका प्रोडक्ट मंगाते हैं, इस्तेमाल भी नहीं करते, ये आपने इस्तेमाल कर लिया हो। 90% लोगों की यात्रा जो है ना डायरेक्ट सेलिंग के अंदर शुरुआती 3 महीने में खत्म हो जाती है। शुरुआती 3 महीने में 90% लोगों की यात्रा खत्म हो जाती है, क्योंकि ये लोग अपने जीवन के प्रति कभी सीरियस नहीं होते हैं। मैं आज से नहीं, मैं 26 सालों से देख रहा हूं। मैं अपनी कंपनी की बात नहीं कर रहा हूं, दुनिया की कोई भी कंपनी आप ले आइए जिसमें कोई व्यक्ति ज्वाइन होते हो ना, आप हर महीने की एक एवरेज निकाल के देखिए कि इतने लोगों ने इस ऑर्गेनाइजेशन, इस कंपनी को ज्वाइन किया और अगले महीने कितने लोग एक्टिव हैं, तो आप जानकर हैरान हो जाएंगे 80-90% लोग डीएक्टिवेट हो जाते हैं किसी भी कंपनी से। इसमें कंपनी का दोष नहीं है, कंपनी तो सबके लिए एक जैसा प्लान लेके आई है। इसमें दोष किसका है? इसमें दोष है उनके माइंडसेट का, उनकी सोच का। वो रुक जाते। तो अगर आपके साथ ऐसा होता है जब आप इस बिजनेस में लोगों को ज्वाइन कराते हो और बहुत सारे लोग जुड़ने के बाद अगले स्टेप तक पहुंच ही नहीं पाते हैं, अगले 2 महीने 3 महीने 4 महीने आपके साथ काम नहीं कर पाते हैं, तो निराश होने की जरूरत नहीं, हर कंपनी में ऐसा होता है, आप इससे बच नहीं सकते हो। क्योंकि ये वो लोग होते हैं जिनका कोई विजन नहीं, जिनकी कोई बहुत बड़ी सोच नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अब 8 महीने हो गए, 9 महीने हो गए, 1 साल हो गए और आप बड़े खुश हो रहे हो, यार अच्छा शर्मा जी बता रहे हैं, यार ज्यादातर लोग यही होते हैं, लेकिन आपने कुछ किया ही नहीं है, तो फिर कमी आपके अंदर। मैं शुरुआती कुछ लोगों की बात कर रहा हूं, लेकिन अगर 1 साल आपको हो गया किसी भी कंपनी में, चाहे हमारी में या किसी और कंपनी में भी आप काम करें, 1 साल अगर आपको हो गया और एक ऐसा लेवल आपने नहीं पकड़ा जिससे आपके घर का खर्च कम से कम आराम से चले, तो आपको सोचना पड़ेगा दोस्त। फिर हम सीरियस तो कम से कम काम नहीं कर रहे, काम तो कर रहे हैं लेकिन सीरियसनेस नहीं बोलेंगे इसको। फिर आप ये मत कहिए किसी से कि मैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस कर रहा हूं, मैं नेटवर्क बिजनेस कर रहा हूं। अपने आप को ये बोलते रहते हैं, सर मैं भी तो जुड़ा हुआ हूं इस कंपनी से सर, लेकिन मुझे तो इनकम नहीं आ रही है। सर आप जुड़े हो, हम भी मना नहीं कर रहे, आप काम भी कर रहे हो उसके लिए भी हम मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप सीरियसली काम नहीं कर रहे। दूसरे वो लोग होते हैं जो डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर की श्रेणी में आ जाते हैं, एक समझदार इंसान बन जाते हैं। ये लोग क्या करते हैं, अपनी सेल परचेज टाइम से करेंगे, लेकिन इनके साथ एक समस्या होता है, ये इंडिविजुअल खड़े नहीं हो पाते कभी भी। बिजनेस में तो है लेकिन ये अपने दम पे कुछ करने के लिए तैयार नहीं होते। और आप में से जितने भी लोग आज इस मीटिंग को देख रहे हैं या इस रिकॉर्डेड मीटिंग को आगे देखेंगे, एक चीज मैं आपको बता देता हूं, अगर आप कहीं भी 1%, बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, अगर आप में से कोई भी व्यक्ति कहीं भी 1% अपने आप को ये कहता है ना मैं लीडर हूं, अगर आप में से कोई भी 1% भी ये समझता है या कहता है कि मैं लीडर हूं, तो लीडर की एक परिभाषा मैं आपको जरूर बता देता हूं, लीडर किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होता है। आपकी अप्लाई उसको भी गलत फहमी है। अभी लीडर कहते किसको, यार लीडर, कई बार हम किसी व्यक्ति के आगे जब लीडर लगाते हैं ना, तो लीडर शब्द की हम लोग समझ लीजिए वैल्यू कम कर रहे हैं, लीडर शब्द की हम बेइज्जती कर रहे हैं। किसको बोलते हैं लीडर, कौन है लीडर? और कई लोग तो अपने आप को ऐसे ही लीडर माने चले जा रहे, स्टेज पे आके थोड़ा सा अच्छा बोलना लीडरशिप नहीं है। भारतीय डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के अंदर बहुत सारे लोगों को यह गलत फहमी है
कि मैं स्टेज पे जाके अच्छा बोलता हूं तो मैं बहुत अच्छा लीडर हूं। नहीं, स्टेज पे जाके अच्छा बोलना लीडरशिप थोड़ी है। लीडरशिप है जब आप खुद भी ग्रो कर रहे हो और अपनी टीम को भी ग्रो करा रहे, उसको बोलते हैं लीडरशिप। खुद भी सफल हो रहे हैं और अपनी टीम के लोगों को भी सफल बना रहे हैं। चार पैसे आपके घर में भी आ रहे हैं और चार चार पैसे आप लोगों के घर में भी पहुंचा रहे हैं। चार पैसे का मतलब एक अच्छी खासी आमदनी आप भी कमा रहे हैं और आपकी टीम में भी लोग आमदनी लेने वाले तैयार हो गए हैं और आप उनको तैयार कर रहे हैं। जिस दिन वो करना आपको आ जाता है, उस वक्त समझिएगा आप एक लीडर है। वरना गलत फहमी का पाल रखे लोगों ने, मैं एक लीडर हूं। जैसे कहते हैं ना, हर पार्टी से जुड़ा हुआ व्यक्ति दो तरीके के होते हैं ना। एक तो होता है भी मेरे को बीजेपी पसंद है, बीजेपी को जाके वोट कर आया। एक होता है मेरे को कांग्रेस पसंद है, समाजवादी पसंद है ना, या एक्स वाई जेड कोई भी पार्टी पसंद है, गए और उसको जाके वोट, इसको कहते हैं वोटर। एक होता है कार्यकर्ता, जो वोटर से ऊपर होता है। वो क्या करता है, जब भी कोई बीजेपी का कार्यक्रम होगा उसके अंदर उसका रोल होगा, कुछ ना कुछ जाएगा, पार्टिसिपेट करेगा। कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, अलग अलग पार्टियों के कार्यकर्ता हैं। लेकिन मैक्सिमम कार्यकर्ताओं को एक गलत फहमी रहती है कि मैं नेता हूं, मैं अपनी पार्टी का नेता हूं। नेता नहीं है साहब, वो कार्यकर्ता ही है और वो नेताओं की तरह ही ट्रीट करता है सबको। सेम डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर बहुत सारे लोग जो स्टेज पे थोड़ा बहुत अच्छा बोल लेते हैं उनको ऐसा लगता है मैं लीडर हूं, जो थोड़ी बहुत अच्छी ट्रेनिंग दे देते हैं उनको लगता है मैं लीडर हूं। यार कभी अकेले में सोचो ना, लीडर की परिभाषा क्या है, कैसे आप लीडर हुए? एक आदमी जिसको बोलना नहीं आता स्टेज पे और वो 10-20 हजार इनकम तक पहुंच गया, 5 हजार इनकम तक पहुंच गया, लेकिन वो अच्छा जूम नहीं दे पाता, अच्छी मीटिंग नहीं दे पाता, लेकिन 5-10 हजार 15 हजार रुपए वो जैसे तैसे करके कमा रहा है नेटवर्क बिजनेस से। उसके विपरीत एक व्यक्ति ऐसा है जो बहुत अच्छी जूम मीटिंग देता है, उसको नॉलेज भी बहुत है, वो स्टेज पे भी बहुत अच्छा बोलता है, लेकिन इनकम नहीं आ रही उसको। उससे लाख गुना बेटर वो है जिसको सही तरीके से समझाना नहीं आता, क्योंकि वो इनकम तो ले रहा है कम से कम। तो डिस्ट्रीब्यूटर जो सेल परचेस करता है, सिर्फ अपनी खरीदारी करी, मीटिंग ट्रेनिंग में बुलाया तो मीटिंग ट्रेनिंग में आ गया, इससे पहले वाला तो मीटिंग ट्रेनिंग में भी नहीं आता, जो सबसे पहली कैटेगरी मैंने बताई वो मीटिंग ट्रेनिंग में भी नहीं आता। उन्होंने तो बस एक बार प्रोडक्ट खरीदा, उसके बाद कहां गए वो जाते हैं आपको और हमें पता नहीं चलता। और कई बार उनकी गलती होती है और कई बार हमारी गलती होती है कि हम उनसे टच बना के रखते ही नहीं। उससे ऊपर जिसको बोलो वो सेल परचेस कर लेगा, उसको बोलो भाई साहब वहां मीटिंग है, ठीक है जी आ जाऊंगा, जूम में मीटिंग है, ठीक है जी आ जाऊंगा। प्लान, सर प्लान दिखाना नहीं आता सर, लोगों को मिलवा सकते हो? हाँ जी मिलवा दूंगा। अपलाइन जाएगा, प्लान दिखा देगा, वो लोगों को मिलवा देगा। उसको प्लान दिखाना नहीं आता और ना वो सीखने की कोशिश करता, यानी वो डिपेंड है पूरी तरीके से अपनी अपलाइन पर। किस पर डिपेंड है? अपनी अपलाइन पर डिपेंड है कि ये जो इंसान है जिसने मुझे ज्वाइन कराया है, ये जो मेरी टीम में अपलाइन है, जो मेरा सीनियर है, यही इंसान मुझे सफल बनाएगा, यही देगा मेरा प्लान, यही प्रोडक्ट के बारे में बताएगा। उसके पास अगर कोई व्यक्ति आता है कि भाई साहब आपका प्रोडक्ट, वो समझाने जाता है, मान लीजिए मिल गया कोई, अपने प्रोडक्ट के बारे में बता रहा है, वो कहता क्या खूबी है, वो अपना दिमाग नहीं लगाएगा कभी भी कि मैं गूगल पे सर्च कर लूं, मैं भी सीख लूं, E30 किस में काम करता है, ये वाला प्रोडक्ट ओमेगा किस में काम करता है, वुमेन केयर किस में काम करता है, काओ कोलोस्ट्रम किस में काम करता है। वो दिमाग पे जोर नहीं देगा कि मैं भी सीख लूं, यार छोटी सी तो बात है। वो तुरंत क्या करेगा, तुरंत फोन लगाएगा अपनी अपलाइन को, हाँ जी सर मैं बैठा हूं कहीं पे, यहाँ पे भाई साहब पूछ रहे हैं ओमेगा कैसे काम करता है, जरा बताओ इनको। वो ये भी नहीं पूछेगा अपलाइन बिजी है, फ्री है, क्या है, उसको लगता है अपलाइन 24 घंटे उसके लिए रोबोट की तरह तैयार बैठा है। ये भी नहीं पूछेगा सर आपके पास टाइम है, मैं कहीं बैठा हूं सर, किसी से बात करानी है, ऐसे नहीं बोलेगा। तुरंत उसको बोलेगा अभी देख अपनी अपलाइन से बात कराता हूं। अब वो बाथरूम में भी है ना, अब गलती से उसने फोन उठा लिया, कई लोग बाथरूम में जैसे फोन ले जाते हैं, वो कहता है सर मैं बैठा हूं या ओमेगा के बारे में पूछ रहे हैं, इनसे बात करो। उसको इतना भी कहने का मौका नहीं देते, भाई मैं खाना खा रहा हूं, मैं सो रहा हूं, मैं सो के उठाऊं, या मैं अभी मीटिंग में बिजी हूं, सीधा
हर चीज के लिए, हर चीज के लिए वो तुरंत अपलाइन को बोलता है, भाई साहब ये है, देखो जी ये करेगा, इससे ऊपर कभी नहीं उठ पाता, कभी नहीं उठ पाता इससे। अब अपने आप को चेक करते रहे ना, आप कौन से वाले में से, यानी कि पूरी तरीके से डिपेंड अपलाइन के ऊपर। अभी आप में से एक लीडर ने एक लीडर को बोला, हमारे एक लीडर को बोला, सर मेरी अपलाइन को थोड़ा सा समझाओ सर, है ना, वो थोड़ी सी हमारी हेल्प करे। और उसकी अपलाइन बार बार क्या कहती है, ये मेरा लीडर है। एक आदमी ने दूसरे आदमी को बोला कि मेरी इस अपलाइन को समझाओ, ये हमारी हेल्प करे आके। और जिस अपलाइन के बारे में बोल रहा है, वो अपलाइन जब भी मेरे से बात करता है उस आदमी के बारे में, वो कहता है जी वो लीडर है जी मेरी टीम का। और वो क्या कह रहा है, मेरी अपलाइन मेरी हेल्प ही नहीं करती। इसका मतलब क्या है, वो सेकंड श्रेणी में है, वो डिपेंड है टोटली अपनी अपलाइन के ऊपर। तो यदि आप अपलाइन के ऊपर डिपेंड हैं कि आपका प्लान अपलाइन दिखाएगा, प्रोडक्ट के बारे में किसी को जानकारी लेनी है अपलाइन देगा, आपके क्षेत्र में कोई मीटिंग ट्रेनिंग करनी है अपलाइन करेगा, आपके कुछ लोगों को लीडरशिप ट्रेनिंग देनी है तो अपलाइन करेगा। तो आप अपनी जिंदगी से लीडर शब्द हटा दो, आप लीडर नहीं हो, हाँ डिस्ट्रीब्यूटर हो। लेकिन यहां पे मैं जो समझाना चाह रहा हूं उस पॉइंट को पकड़ना, सब लोग मैं जो समझाना चाह रहा हूं उस पॉइंट को पकड़ना, मैं उनकी बात कर रहा हूं जो जूम में बहुत अच्छी ट्रेनिंग देते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं जो पैसे से भी सक्षम हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं जो स्टेज पे बहुत दहाड़ मार मार के चिल्ला चिल्ला के लोगों को हिला देते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं जिनको एक्चुअल में डायरेक्ट सेलिंग की नॉलेज भी है, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपने दो पैरों पे खड़े नहीं हो रहे, अपने दो पैरों पे खड़े नहीं हो रहे हैं। उनकी सोच एक ही है, मुझे जो भी इस बिजनेस में सफल बनाएगा वो एक ही इंसान बनाएगा, मेरा अपलाइन। जबकि बिजनेस का सिद्धांत क्या कहता है, नेटवर्क बिजनेस का सिद्धांत क्या कहता है कि इस बिजनेस में अगर कोई सफल आपको बना सकता है तो वो आप स्वयं हैं, कोई दूसरा नहीं है। दूसरे के भरोसे पे बिजनेस कभी मत कर। कब अपलाइन का दिमाग घूम जाएगा पता नहीं दोस्त, कब डाउनलाइन का दिमाग घूम जाएगा पता नहीं, आपका दिमाग नहीं घूमना चाहिए, ध्यान रखें। अगर इस बिजनेस में सफल होना है ना, आपका दिमाग नहीं घूमना चाहिए। अपलाइन का भी घूम सकता है, डाउनलाइन का भी घूम सकता है, आपका नहीं घूमना चाहिए। लेकिन हमारे बिजनेस में ज्यादातर लोग कैसे होते हैं, जिनका खुद का ही दिमाग घूमे रहता है, अपलाइन खूब उसको समझाता है लेकिन उसका दिमाग कब उसका एंटीना हिल जाएगा पता। तीसरी स्थिति जो आती है ना सर, तीसरी स्थिति जो आती है, उसको कोई भी किसी अपलाइन का किसी मैनेजमेंट का फोन नहीं जाता उसके पास कि भाई साहब आपने अपनी सेल परचेज की, आज तारीख क्या हो गई है, आज तारीख हो गई है 5, और ये पहली मीटिंग तो मैं दे नहीं रहा हूं कि कंपनी शुरू हुई और आज मैं पहली मीटिंग दे रहा हूं आपको, 2 साल से ज्यादा हो गए कंपनी को चलते हुए, जितने लोग आज इस मीटिंग में हैं, आईडी तो खैर खोल के देखने की जरूरत है ही नहीं, आपको सबको मालूम है कि 5 तारीख तक किस किस व्यक्ति ने अपनी परचेज कर दी। अगर आप एक लीडर हैं और अभी तक आपकी आईडी पे परचेज नहीं हुई है तो फिर गड़बड़ है, फिर गड़बड़ है। इसका मतलब क्या है, आप खुद सिस्टम को फॉलो नहीं करते हो, आप खुद अभी 2 साल हो गए सिस्टम को फॉलो नहीं करते हो, 1 साल हो गया सिस्टम को फॉलो नहीं करते हो, टीम को तो भूल जाओ, टीम नहीं करेगी जब तक आप नहीं करोगे, वाइब्रेशंस तो यहीं से जाएगी ना सर। लोग इंस्पायर्ड तो आपसे होंगे ना, आपसे खुद से इंस्पायर्ड होंगे ना। कितनी बार समझाया, जब आप अपनी सेल परचेज करें तुरंत अपनी फोटो खींच के बिल की या अपनी साथ में कि भाई मैंने अपना प्रोडक्ट परचेज कर लिया, ग्रुप में जाना चाहिए, सब ग्रुप में जाना चाहिए। टीम सीखेगी कि सबसे पहला काम ये जरूरी होता है, मेरा अपलाइन समय से प्रोडक्ट को खरीदता है लेकिन मैंने नहीं खरीदा। अभी मोरिया जी कह रहे थे कि कुछ लोगों की तबीयत खराब हो गई है, तो मैं उनकी आईडियो पे जब जाके चेक करता हूँ, वो अपना न्यूट्रिशन टाइम से खरीदते ही नहीं है, और जो आदमी न्यूट्रिशन टाइम से खरीदेगा नहीं तो खाएगा नहीं, और खाएगा नहीं तो तबीयत खराब होगी। हम हेल्थ के बिजनेस में,
और मौसम बिगड़ते ही आपको जुखाम हो जाता है, मौसम बिगड़ते ही आपको बुखार हो जाता है, घर से बाहर निकले आपको बुखार हो जाता है, थोड़ा ज्यादा खा लिया आपको बुखार हो जाता है, आपका डाइजेशन सिस्टम बिगड़ जाता है। इसका मतलब आप हमारा न्यूट्रिशन जो है वो प्रॉपरली रेगुलर टाइम से नहीं खा रहे हो, ये क्लियर है। वरना जो आदमी E30 खा रहा हो सर रेगुलर, नहीं हो सकता सर, छोटी मोटी बीमारियां तो ऐसे निकल जाएंगी ऐसे साइड से, भाई यहां इसके अंदर नहीं जाना, निकलो यहां से। तो जो लीडर होता है ना उसको सेल्फ परचेज के लिए कभी किसी को याद नहीं दिलाना पड़ता। जब तक आप अपनी आदत ऐसी नहीं बदला लोगे ना, सर मुझे याद क्यों नहीं दिलाया, सर मुझे कहना चाहिए था, सर जब तक आप किसी के इंतजार में बैठे हो मुझे कहना पड़ेगा। एक वो सीरियल आता था, पता नहीं कौन सा आता था, उसमें एक किरदार था, उससे जब भी कोई पूछते थे कि ये काम, वो ऐसे करके मुंह फुलाता, ये भैया हमसे तो किसी ने बात बोली नहीं, हमें तो किसी ने बात पता ही नहीं, ऐसे लीडर होते हैं। सर मुझे किसी ने बोला ही नहीं सर परचेस करने के लिए। अरे कौन बोलेगा यार, आप एक बहुत बड़ी टीम का निर्माण करने जा रहे हो, आप अपनी जीवन को पूरी तरीके से बदलने के लिए जा रहे हो, आप खुद सीरियस नहीं हो और उम्मीद कर रहे हो सीरियस लोग आपके साथ जुड़ जाए। सीरियस लोग सीरियस लोगों के साथ जुड़ते हैं, ध्यान रखने। गलती से मैंने बहुत केसेस में देखा है, एक कम सीरियस व्यक्ति या मैं कहूंगा कि जो अनजान वो इस बिजनेस के अज्ञानी जो व्यक्ति है उसके साथ भी कई बार सीरियस लोग जुड़ जाते हैं, लेकिन परेशान होकर बिजनेस को छोड़ देते हैं, उसकी लेग को छोड़ देते हैं। उनको पता लग जाता है कि हम जिसके साथ जुड़े हैं ये तो भैया इसके अंदर तो कोई दम नहीं है। तो अपनी खुद की सेल्फ परचेज अगर आपको कहनी पड़ रही है, अगर आपको बतानी पड़ रही है, तो आप एक लीडर नहीं। मैं कहता हूं न मत करो नेटवर्क बिजनेस, आपको जरूरत नहीं है। प्लान दिखाने के लिए आपको 6 महीने हो गए, 7 महीने हो गए, 8 महीने हो गए, 1 साल हो गया, कुछ को 1 साल से ज्यादा हो गया, कुछ को 2 साल हो गए, लेकिन आज भी अगर किसी व्यक्ति को प्लान दिखाने के लिए आपको अपनी अपलाइन की जरूरत पड़ती है, दोस्त छोड़ दो इस बिजनेस को, ये बिजनेस आपके लिए नहीं है, नहीं आपके लिए बिजनेस। एक सात लाइन का प्लान आपको याद नहीं हुआ यार आज तक, पता है क्यों? हम अपने आप को अपडेट करने के लिए तैयार नहीं, हम अपने आप को स्वयं को अपडेट करने के लिए तैयार नहीं है। और मोबाइल हो, कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो, उसमें जो डला होगा वही बाहर निकलेगा। अगर सॉफ्टवेयर पुराना है, जैसे अभी हमने जब टी शर्ट बनवानी थी तो हमें उन्होंने बोला सर इसकी एक फाइल जो है ना पोरल के अंदर बना के भेज दीजिए, CDR फाइल। मैंने CDR फाइल अपने डिजाइनर से बनवा के भेज दिया। अब जो टी शर्ट बनाने वाले हैं उनके पास बहुत पुराने वर्जन का कोरल ड्रॉ है, वहां खुल ही नहीं रही है वो, कह रहा जी तो खुल नहीं रही है। मैंने अपने वाले से बात की, उसने कहा सर उनके पास पुराना होगा, नया अपडेट वर्जन बोली। अब वो कह रहा नया मैं ले नहीं सकता जी, मेरे पास तो पुराना ही चलता है, पुराने में बना के दे दो। बड़ी मुश्किल से कहीं पुराने से बनवा के फिर हमने उसको भेजा, वहां वो जाके खुली। क्यों नहीं खुली वो? क्योंकि उसका सॉफ्टवेयर पुराना है दोस्त। बहुत सारी चीजें आपको समझ में पता क्यों नहीं आती? आपका सॉफ्टवेयर पुराना है, आपका ये माइंडसेट है ना, ये सॉफ्टवेयर पुराना है, आप सीखने के लिए तैयार ही नहीं हो यार, इसको अपडेट करने के लिए तैयार ही नहीं हो आप। मीटिंग सुनते हो चले जाते हो, उस मीटिंग में क्या बताया गया उसको लिखा नहीं, उस पर अमल नहीं किया, उसमें अपनी गलतियां मिस्टेक नहीं निकाली, हाँ यार आज सर ने यार ये बात बोली थी, ये मेरे अंदर कमी है, इसके अंदर सुधार करूंगा। सुधार करना जो है ना उसको कहते हैं अपडेट करना, सुधार कर यार। हाँ यार बड़ी शर्म की बात है यार, 7 महीने हो गए मुझे प्लान दिखाना नहीं आया, अब करूंगा यार, वीडियो सुनता हूँ यार, है ना, इतने सारे लीडर्स की वीडियो है, प्लान की वीडियो सुनता हूँ यार, याद कैसे नहीं होगा यार, यार एक हफ्ते में याद करके यार मैं खुद प्लान दूंगा आगे बढ़ के। इसको कहते हैं अपडेट कर। ओमेगा, आपकी अपलाइन ने, आपने किसी को फोन मिला के दिया सर इनको बता दो, आपकी अपलाइन ने ओमेगा के बारे में बताया, सामने वाला संतुष्ट हो गया, आपके अंदर यार एक चिंगारी लगनी चाहिए, आपके अंदर एक आग लगनी चाहिए यार, जैसे मेरी अपलाइन ने समझाया मैं क्यों नहीं समझा सकता सर। तुरंत अपलाइन की उस बात को रिकॉर्ड पर डाल दो, कैसे उसने समझाया, वीडियोज देखो, ओमेगा कैसे काम करता है, E30 कैसे काम करता है, वुमेन केयर कैसे काम करता है, काओ क्लस्टरम कैसे काम करता है, उसमें क्या क्या मिला, कितना टाइम लगता है उसके अंदर। लेकिन हम अपडेट करने के लिए तैयार नहीं है। और ध्यान रखिए, अगर आप अपडेट नहीं होंगे तो इस बिजनेस में कभी सफल नहीं होंगे, आप आउटडेटेड हो जाएंगे, वो ही आपको नहीं पहचान।
नोकिया ने अपने आप को अपडेट नहीं किया मार्केट से बाहर, एचएमटी ने अपने आप को अपडेट नहीं किया मार्केट से बाहर, एम्बेसडर फिएट ने अपने आप को अपडेट नहीं किया इंडस्ट्री से बाहर, कोडेक ने अपने आप को अपडेट नहीं किया इंडस्ट्री से बाहर। बड़े बड़े दिग्गज जिन्होंने अपने आप को अपडेट नहीं किया सर, समय के हिसाब से जो चलने के लिए तैयार नहीं थे, जो कहते थे बस मैं, और ऐसा नहीं कि वो छोटी मोटी कंपनियां थी, नोकिया कोई छोटी मोटी कंपनी थी, मोटरोला कोई छोटी मोटी कंपनी थी, नंबर वन कंपनी थी सर उस टाइम की, लेकिन बस ये था हमें अपडेट करने की जरूरत नहीं है, हम नंबर वन है। सर सोच के देखिए, दुनिया की नंबर वन कंपनी अपने आप को अपडेट नहीं किया तो आउटडेटेड हो गई सर, मार्केट से गायब हो गई, और आप और हम तो कामयाब भी नहीं है, आप और हम तो सफल भी नहीं है, हमारा और आपका क्या हाल होगा अगर हम अपडेट नहीं हुए तो। बिजनेस का दोष नहीं है, प्रोडक्ट का दोष नहीं है, वो आ जाता तो मैं ये कर देता, वो आ जाता तो मैं ये कर देता, वो प्रोडक्ट आ जाए तो देखो मैं, आज से नहीं सर 26 साल से सुन रहा हूं ये बात, 26 साल से। जब राजस्थान की एक कंपनी में थे ना, केवल कपड़ा था, तब लोग कहते थे साबुन आ जाए ना सर, पेस्ट आ जाए, हम देखो ये कर देंगे, आज वो गायब है उस कंपनी से। जब साबुन तेल वगैरह सब कुछ आ गया, अरे सर आटा आ जाए ना, फिर देखो सर मेरे घर में तो आटा लगता है सर, अगर आटा ले आओ ना आप, फिर देखो मैं ये कर दूंगा, कंपनी आटा ले आई, गायब हो गए वो सब। सर दाल आ जाए ना, मैं दाल बहुत खाता हूँ सर, दाल आ जाए फिर देखो जी मैं क्या मजेदार चमत्कार कर दूंगा, दाल आ गई उस कंपनी के अंदर, सब कुछ है उस कंपनी में, लेकिन वो लीडर्स गायब है। और इतना सब कुछ होने के बाद, इतने सारे प्रोडक्ट होने के बाद, मैं बार बार बोलता हूँ उस कंपनी में आज तक 1 करोड़ रुपए इनकम लेने वाला कोई आदमी पैदा नहीं हुआ है ना, 20, 22, 23, 24 साल हो गए कंपनी को चलते हुए, इतने सारे प्रोडक्ट होने के बाद 1 करोड़ का चेक ना आए, कैसे पॉसिबल है? कहीं ना कहीं लूपहोल है। सर आपको मैं कितनी बार बता रहा हूं, आपको जो फैमिली पैकेज हमने दिया हुआ है, इतना शानदार फैमिली पैकेज है सर, बस उसको आपको बताना आ जाए, किस तरीके से आप उसको मार्केट में समझा सकते हैं। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है सर, क्लियर है। किस तरीके से आप उसको प्रेजेंट कर सकते हैं, ये बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर आपको प्रेजेंट करना नहीं आता, फिर आपको जितना मैं कहते हैं ना, आपको हथियार दे दिए लेकिन हथियार चलाने आते ही नहीं आपको, आप युद्ध के मैदान में चले गए, हथियार तो बहुत है आपके पास लेकिन आपको चलाना ही नहीं आता उसको, तो फिर बेकार। बहुत शानदार प्रोडक्ट है आपके पास, अगर आपको लगता है हेल्थ केयर के प्रोडक्ट से काम नहीं होगा, तो इससे पहले मैंने कई बार बताया आपने ऐसी कंपनियां की जिसमें सब प्रोडक्ट थे, और दूसरी चीज ये आपकी गलतफहमी है कि इससे काम नहीं होगा उससे काम नहीं होगा। एक कंपनी एलोवेरा प्रोडक्ट पे काम करती है और उसका एलोवेरा इंडियन मार्केट की सब कंपनियों से महंगा है, और वहां लोग लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, कैसे काम कर रहे होंगे यार, सबसे महंगा एलोवेरा है बाबा रामदेव से कम 20 से 30 गुना 40 गुना महंगा एलोवेरा है उनका, कंपनी का नाम लेना यहाँ ठीक नहीं है, लेकिन वहां लोग बहुत जुनून के साथ एक्साइटमेंट के साथ काम कर रहे हैं। एक कंपनी है जो वेट लॉस पे काम करती है, वेट लॉस पे काम करती है, मोटे आदमियों को पतला करने का काम करती है, 5,000 से 6,000 रुपए का 1 महीने का या 15 दिन की डाइट आती है उसकी, लोग उस पर भी काम कर रहे हैं, इंटरनेशनल कंपनी, हिंदुस्तान में बड़े बड़े सेमिनार बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं। क्या प्रोडक्ट है? सिर्फ लोगों को पतला करने वाले प्रोडक्ट, माइंडसेट। जो उस कंपनी में गया उसके यहां एक ही चीज डाला, हेल्दी, जो हेल्दी होना चाहता है उसको ढूंढना है, जो पतला होना चाहता है उसी को ढूंढना है, उसके अलावा कुछ नहीं, बस वो जिनका माइंडसेट हो गया वो उसमें काम कर। एक रोता, सर मैं गया था एलोवेरा लेके सर, बाबा रामदेव का तो सर 80 रुपए का मिल जाता है, आपका तो सर 3,000 रुपए का है। दूसरा 3,000 वाला धड़ाधड़ बेच रहा है, धड़ाधड़ बेच रहा है, धड़ाधड़ बेच रहा है, और एक 80 पे गाड़ी अटक गई। एक कंपनी है लेडीज प्रोडक्ट बनाती है, लेडीज प्रोडक्ट, उसमें बहुत बड़ी बड़ी लेडी अचीवर है, इंटरनेशनल कंपनी है, उस कंपनी में और कुछ नहीं है सिवाय लेडीज प्रोडक्ट के, और कुछ नहीं है, लिपस्टिक ले लीजिए, जितने भी ब्यूटी केयर के प्रोडक्ट हैं सब है उसके अंदर। कैसे काम करती होंगी यार वो लेडीज, और सारे महंगे, ऐसा नहीं कि कोई सस्ता प्रोडक्ट होगा, सारा महंगा प्रोडक्ट, इसको छोड़ दो,
ये तो चलो लिपस्टिक लगाएंगे कुछ लगाएंगे तो खत्म भी होगा। एक कंपनी ऐसी है जो प्लास्टिक के ही प्रोडक्ट बनाती है, उस कंपनी में केवल और केवल प्लास्टिक के ही प्रोडक्ट हैं। नाम बता देता हूं यहां तो आपको, चलो कोई बात, टप्परवेयर। गूगल पर सर्च करना कब से चल रही है कंपनी, और टप्परवेयर के सेमिनार जाके आप गूगल पे यूट्यूब पे सर्च करना। सिर्फ प्लास्टिक के प्रोडक्ट बनते हैं उसके उसके उस कंपनी में, सिर्फ प्लास्टिक के प्रोडक्ट मिलते हैं। टिफिन मिल गया है ना, लंच बॉक्स मिल गया, बॉटल्स मिल गई, कटोरियां मिल गई, यही है, उसके अलावा कुछ नहीं है। हाँ, लोग लाखों करोड़ों का टर्नओवर कर रहे हैं। माइंडसेट, आपके पास तो चार हेल्थ केयर के प्रोडक्ट, जो 40 प्रोडक्ट सामने रख दो और हमारे चार सामने रख दो, फेल है सर। प्राइस के मामले में देख लो फेल है, वॉल्यूम के मामले में देख लो फेल है, डिस्ट्रीब्यूशन के मामले में देख लो फेल है, क्वालिटी के मामले में देख लो फेल है। उसके बावजूद अगर हम काम नहीं कर रहे, प्रॉब्लम यहां है प्रॉब्लम, कहीं और प्रॉब्लम नहीं है। और उस इन सबसे पहली जो प्रॉब्लम है, इन सबसे पहली जो प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम पता है क्या है, मुझे मेरा अपलाइन सफल बनाएगा, ये है सबसे बड़ी प्रॉब्लम। एक लैग तो मेरी अपलाइन ही चलाएगा, बैठा हुआ है लो इंतजार में, एक तो अपलाइन चलाएगा, बात खत्म। दूसरी में लोग जोड़ दिए, विश्वास से लोग जुड़ गए उसके साथ, लेकिन उन लोगों पे ध्यान नहीं दे रहा, क्यों, क्योंकि उसकी अपलाइन एक नहीं चला रहा। ऐसे आदमी को आप लीडर बोलोगे? मैं तो उसको लीडर नहीं मानता, मैं ऐसे इंसान को लीडर ही नहीं मानता जो एक ही लेग पे काम करने के बारे में सोच रहा हो। और मैं ये पूरी शिद्दत के साथ आपको बता सकता हूं, वो एक पे भी काम नहीं कर रहा है, एक पे भी कोई और काम कर रहा है दोस्त। वो सेटिंग करके बैठा हुआ बस अपलाइन से, कि मेरी अपलाइन चलाएगी, छोड़ दो ये बिजनेस आपके लिए नहीं है। आप वो पिता हो जो अपने बच्चों को पाल ही नहीं सकते दोस्त, बच्चे पैदा तो हो गए लेकिन पालने की कला आपके अंदर नहीं है। बहुत सारे ऐसे हैं जो अपने माँ बाप के ऊपर ही डिपेंड हैं, बच्चे भी हो गए उनके, लेकिन आज बच्चे की अगर स्कूल की फीस जाती है तो दादाजी को भरनी पड़ती है, बच्चे को जन्मदिन होगा तो दादाजी करेंगे, वो नालायक कुछ नहीं करता, वो अपने माँ बाप के ऊपर बैठा हुआ है कि जो करना है मेरे माँ बाप करेंगे। कब तक? जब तक माँ बाप जिंदा है, उसके बाद होता है बुढ़ापा खराब। इसीलिए नेटवर्क बिजनेस में कहावत कही जाती है कि दुनिया में तो ये कहावत कही जाती है कि जिस जो माँ बाप अपने बच्चों को सही तरीके से केयर नहीं कर सकते ना, उस माँ बाप को बच्चे पैदा करने का अधिकार नहीं है। सेम डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में अगर आप अपने साथ जुड़े हुए लोगों की केयर नहीं कर सकते ना, आपको डाउनलाइन बनाने का अधिकार नहीं है, तुमको जोड़ने का अधिकार नहीं है दोस्त। सेल परचेज के लिए आपको बोलना पड़ता है, मीटिंग ट्रेनिंग में आने के लिए आपको बोलना पड़ता है, अपनी टीम में कोई लीडरशिप ट्रेनिंग अगर आपको करनी है उसके लिए आपको बोलना पड़ता है। अगर 2 साल से मेरी ट्रेनिंग सुनने के बाद भी आप में से अगर कोई लीडर ये सोचता है कि भाई मैं 10 लोगों को इकट्ठा करके अपनी अपलाइन को बुलाऊंगा, आपने कुछ नहीं सुना सर, सिर्फ 2 साल से समय खराब कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे, आप अपना समय खराब कर रहे हो। इतनी सारी ट्रेनिंग तो मैं दे चुका हूं दोस्त, अगर वो नोट की हो ना और 10 आदमी सामने बैठे हो, सिर्फ उनको पढ़ के सुना दो आप, लोग तालियां बजाएंगे आपके लिए, यार क्या नॉलेज है इस बंदे। हमने ऐसे तो सीखा, हमारी अपलाइन कहती थी अजय जी जयपुर में एक बहुत शानदार लीडर आ रहा है, अपनी टीम को लेके पहुंचो। अब मैं कहता था जयपुर यार टीम तो जाने के लिए तैयार नहीं है, तो ऑप्शन क्या है, तुम भी मत जाओ। यही तो करते हो आप लोग क्या करते हो सर, टीम में से तो कोई आ नहीं रहा, मैं क्या करूंगा जाके, आप भी छोड़ देते हो। लेकिन हम कहते थे यार टीम नहीं जा रही, कोई बात नहीं मैं तो जा सकता हूं। मैं अकेला जाता था, अकेला सुनता था, अकेला नोट्स बनाता था, जो उसने बताया फोकस से सुन के आता था और वापिस आता था, जहां जहां मेरी टीम चलती थी उसी लीडर को कॉपी पेस्ट आके कर देता था, लोग मेरे लिए ताली बजाते थे, मैं लीडर बन गया। मुझे तरीका पता लग गया था, अगर लीडर बनना है किसी की बात को सुनो, उसको लिखो और सामने कॉपी पेस्ट करो, बात खत्म। एक सफल इंसान, यही तो है नेटवर्क बिजनेस, लर्न टीच डुप्लीकेशन, नकल मारने का बिजनेस है। इतना भी काम अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो दोस्त फिर आप इस बिजनेस के लिए नहीं बने हो, अपना सिर्फ समय खराब कर रहे हो। आज नहीं कल आप एक ही बात कहते हुए मार्केट में मिलोगे, मैंने भी की थी वीकेंड सर, कुछ होता नहीं, सब बेकार कंपनियां, वीकेंड मैंने बहुत मेहनत की है सर, वीकेंड 2 साल दिए सर वीकेंड में,
लेकिन आपको भी मालूम है आपने कितनी मेहनत की, आपकी अपलाइन को भी मालूम है कितनी मेहनत की, आपकी डाउनलाइन को भी मालूम है कितनी मेहनत की, और हमें भी मालूम है आपने कितनी मेहनत की। मेहनत करने वालों को रिजल्ट मिलता है। बताया था ना उस दिन, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। जो कोशिश करता है उसकी हार हो जाए पॉसिबल नहीं है सर। हाँ देर लग सकती है, हार नहीं हो सकती। सफलता देर से आएगी ये मंजूर है, लेकिन कोशिश करने वाले की हार हो जाए ये नहीं हो सकता सर। तो अपने आप को चेक कीजिए सर, अपने आप को लीडर बनाइए सर। हाँ जो नए साथी हैं उनके लिए छूट है, क्योंकि सीखने में टाइम लगता है। तो नए साथियों के लिए मेरी सलाह ये है, अपनी सेल्फ परचेज टाइम से करें। नए साथियों के लिए मेरी सलाह ये है कि प्लान जल्दी से जल्दी दिखाना सीखें। नए साथियों के लिए मेरी सजेशन है कि किसी भी मीटिंग ट्रेनिंग को ना छोड़ें। अगर आपको इस बिजनेस में एक शानदार लीडर बनना है तो प्रोडक्ट को रेगुलर यूज करना है, मीटिंग ट्रेनिंग में डेली आना है। जब जूम हो रही है तो जूम में, और कहीं बड़ा इवेंट हो रहा है उसको बिल्कुल छोड़े ना। अगर अपने आपको अपडेट करना है, अपने आपको एक शानदार लीडर के रूप में इस इंडस्ट्री में प्रस्तुत करना है, तो कोई मीटिंग ट्रेनिंग आप सेमिनार छोड़िए मत। और जब मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनार में जाएंगे, किसी के भरोसे मत जाइए कि मेरा अपलाइन खिलाएगा, मेरा अपलाइन पैसे देगा, मेरा ये नहीं सर, ऐसा आदमी लीडर नहीं बनता। यारी दोस्ती पक्की, खर्चा अपना अपना, पहुंचना है सर, बात खत्म। अपलाइन किस किस आदमी को कंधे पे बैठा के ले जाएगा यार, कितनी बड़ी टीम होती है अपलाइन। कुदरत ने भी तो सिस्टम बनाया है ना यार, कुदरत ने भी तो ये सिस्टम बनाया है ना कि आपके दादाजी थे, दादाजी ने आपके पिताजी को पैदा किया, जब तक दादाजी की एक उम्र थी उस उम्र तक कुदरत ने देखो कितना शानदार सिस्टम बनाया, उस उम्र तक आपका आपके पिताजी बड़े हो गए, वो पिताजी काम करने चले गए, दादाजी की जिम्मेदारियां कम हो गई, फिर आपकी आपके पिताजी की शादी कर दी, फिर आप उनके घर में आ गए, फिर आपके पिताजी बड़े हो, आप बड़े हो रहे हो, पिताजी बुजुर्ग हो रहे हैं। कुदरत ने कितनी शानदार यार ये वो बनाई है। अगर कुदरत ऐसे बना दी थी कि एक जो बड़ा आदमी है वो ही पालेगा सबको, काम कोई नहीं करेगा, वो वैसे ही आत्महत्या कर लेता है। सेम अपलाइन है सर, कहां कहां तक जाएगी आपकी अपलाइन? आप खुद क्यों नहीं अपलाइन बनने के बारे में सोचते हैं? आप खुद क्यों नहीं कसम खाते आज से मेरी टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी, आज से मेरी टीम की जिम्मेदारी मेरी, यार मेरे अंदर ऐसी क्या कमी है कि मैं नहीं सीख सकता प्लान दिखाना? हाँ अपलाइन से सहयोग लीजिए, अपलाइन से सलाह लीजिए। अपलाइन नहीं दे पा रही, हमसे सलाह लीजिए सर कैसे काम करना है, हम देंगे। लेकिन ये सोच के बैठना कि मेरे को सफल कोई और बनाएगा, आप धोखे में जी रहे हो। इस दुनिया में कोई आपको सफल नहीं बना सकता सर, सिवाय आपके। नेटवर्क बिजनेस में सहयोग कर सकते हैं, एक टाइम तक आपकी अपलाइन कर सकते हैं, लेकिन एक टाइम के बाद उसको भी समझ में आ जाएगा नहीं यार अब नहीं, बहुत हो गया, अब तो यार अपने लिए काम करना है, छोड़ दो इस साथ, और वो लग जाएगा किसी और लीडर के साथ और वो सफल हो जाएगा। तो जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं, सेल परचेस टाइम से कीजिए, मीटिंग ट्रेनिंग में टाइम से आइए, इस बिजनेस को सीखिए, खुद अपलाइन बनने का प्रयास कीजिए। और जिनके अंदर ये सारी काबिलियत है, फालतू की बातें बंद कर दो, सीधा सीधा बोल रहा हूं मैं, जिनके अंदर ये सारी काबिलियत है ना, फालतू की बातें बंद करो, फील्ड में निकलो और काम करके दिखाओ। केवल जूम मीटिंग देने से कुछ नहीं होता कि जूम में आप आओगे बहुत अच्छा बोल दोगे, यार आपके घर में कुछ आने वाला नहीं है, सिर्फ अपना समय खराब कर रहे हो आप। क्या मिल जाएगा, मैं रोज आपसे मीटिंग कराता हूं, चलो आप में से कोई ऐसा व्यक्ति बैठा है ना जो अपने आप को बहुत अच्छा ट्रेनर समझता है, चलो कल से आपकी मीटिंग शुरू करते हैं, मेरे को फोन कर देना इस मीटिंग के बाद कि सर मैं बहुत अच्छी मीटिंग देता हूं, कल से मेरी मीटिंग कराइए, हम सारी मीटिंग आपसे कराएंगे, एक भी मीटिंग हम नहीं देंगे, हमारी तो टेंशन खत्म होगी। लेकिन दो मिनट अपने घर में बैठ के सोचना, उससे आपके घर में क्या जाएगा यार? इसलिए आए थे क्या कि चार लोग ताली बजा देंगे, चार लोग तारीफ कर देंगे? आप में से कोई ऐसा है सर हर बार मेरे को स्टेज दे रहा है, सर हर बार पूरा स्टेज मैं संभालूंगा, सर हम दे देंगे, हमारी तो सरदर्दी खत्म हो रही है यार, आप आओ स्टेज पे बोलो, मैं गारंटी दे रहा हूं 4 महीने बाद ना आपकी बीवी ताने मार मार के आपको घर बैठा देगी। 6 महीने बाद वो कहेगी कहां जाते हो, बातें बहुत बड़ी बड़ी है, चवन्नी की समय नहीं आ रही है, बीवी उठा के घर में बैठा देगी आप। बच्चे ताने मारना शुरू कर देंगे, पापा 8 महीने हो गए, 9 महीने हो गए, चवन्नी आपके आती नहीं है, आप जा रहे हो स्टेज पे कि मैं स्टेज संभालता हूं। फिर आप कहोगे हाँ यार बात, सर आप और हम पैसा कमाने के लिए आए, अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए आए सर, और ये प्रोडक्ट जो है ना, ये जो प्रोडक्ट है ना, ये आपके जीवन को बेहतर बना सकते हैं, ये पीछे जो प्रोडक्ट रखे हैं ना, ये सारे प्रोडक्ट आपके जीवन को बेहतर बना सकते हैं। ये 4 प्रोडक्ट लोगों के घर में 40-40 प्रोडक्ट रखे रहते हैं भाई साहब, दूसरी कंपनी में जाके देखिए आप, ये 4 प्रोडक्ट आपकी जिंदगी को बदल सकते हैं, आपको बहुत बड़ी सफलता दिला सकते हैं। तो थोड़ा सा
थोड़ा सा आपको सीरियस होना पड़ेगा और इस सिस्टम को सिस्टम से काम करना पड़ेगा। अब बहुत टाइम हो गया सर, अब मेरे को आपकी अपलाइन बोलती है कई बार, सर उसको समझा दो, सर उसको बच्चे थोड़ी हैं यार, एक आदमी को अगर एक बार समझाओगे आप समझ में आता है, चलो समझदार वाली बात है तो दो बार समझा दोगे यार, तीन बार समझा दोगे, फिर चौथी बार अगर अब मुझे आप समझाने के लिए बोल रहे हो तो मुझे ऐसा लगता है मेरी बेइज्जती हो रही है, क्योंकि जिस आदमी को मैं चार बार समझा चुका हूं वो एक बार भी मेरी बात नहीं मान रहा, तो पांचवी बार मेरा बोलने का अधिकार नहीं है यार। मैं आजकल जब YouTube देखता हूं तो एक जज की वीडियो आती है मेरे सामने, तो एक छोटे से उदाहरण से मैं आपको समझा रहा हूं। एक वकील ने उसका जो साथ में जो उसका वो था जिसने केस डाला था, है ना, तो वकील था उसका, तो उसने आदमी ने केस डाला कि मेरी मेरी जो सास है ना उसके ऊपर केस डाल दिया, वो चरित्रहीन है, और ऐसे ऐसे कुछ करती है। तो जज ने बोला कि भैया एक बात बताओ, तुमने ये जो चरित्रहीन बोला है अपनी सास को, इसके पीछे का तथ्य क्या है, कैसे साबित करोगे तुम? नहीं जी मुझे उसने बोला था। जज ने वकील की क्लास लगा दी, जज बोला मैं तुम्हारे खिलाफ वो करा दूंगा इशू नोटिस। हिम्मत कैसे हो गई एक स्त्री के चरित्र के ऊपर बगैर किसी सबूत के तुम लोग इल्जाम लगा रहे हो यहां पे खड़े हो। एक बोला मुझे अपनी पत्नी से डाइवोर्स चाहिए। सर क्यों चाहिए? सर जब शादी हुई थी उसने दसवीं बारहवीं पास बताया था कि बारहवीं पास हूं, बाद में पता लगा सर वो तो दसवीं पास है, तलाक चाहिए। 420 का केस दायर करा दिया उसके ऊपर कि पुलिस वाले सपोर्ट नहीं कर रहे पुलिस वाले। जज ने बोला कैसे 420 का केस लगा सकते हो भाई, इसमें 420 क्या है, 420 क्या है। जज ने वकील को एक ही बात बोली कि जो नॉर्मल जो लोग सड़कों पे घूमते हैं ना पब्लिक, आम पब्लिक जो सोचती है इसने मेरे को झूठ बोला 420 हो गया, इसने मेरे साथ ये छोटी मोटी धोखाधड़ी करी 420 हो गया, उस नजरिए से कोर्ट नहीं चलती। कोर्ट चलती है जो ये जो बुक किताब लिखी है इसके हिसाब से जो धाराएं बनी हुई है कि 420 एक्चुअल में होता क्या है, 420 बनती भी है नहीं बनती। तो सर आप इस बिजनेस में आए हो सर, ये बिजनेस ये प्रोडक्ट आपको अमीर बना सकते हैं सर, आपको सोचना पड़ेगा क्या चीज आपके लिए सही है क्या चीज आपके लिए सही नहीं है, तब ये बिजनेस आपको बहुत कुछ देगा। तो बार बार मैं समझाऊं, अब मैं चार बार समझा चुका हूं और फिर नहीं समझ रहा, तो मैं तो जज की तरह सोचूंगा ना यार मैं पागल थोड़ी अपना टाइम खराब कर रहा हूं यार। और वक्त निकल जाएगा मैं बता रहा हूं, हर कंपनी में निकल जाता है सर। हमने बड़े बड़े तुर्रम खां बड़े बड़े धुरंधर देखे हैं इस इंडस्ट्री के अंदर, जो आज ये कहते मिलते हैं अरे सर एक कमरे का ऑफिस था तब मैं इस कंपनी में जुड़ा था, अच्छा है कहां पे, कुछ नहीं सर। अरे सब ये जो लीडर देख रहे हो सर ये मर्सिडीज ऑडी में घूम रहा है, अरे सर ये तो मुझे घर में आके ऐसे प्लान मेरे खूब हाथ जोड़ता था, जुड़ जा जुड़ जा जुड़ जा, अच्छा तुम कहां हो? नहीं सर हम तो बस राजे हैं अपनी जिंदगी के, बस कुछ पड़े हैं जी गाँव के अंदर। हर कंपनी में होता है ऐसा, हमारी में भी होगा दोस्त, लेकिन आपको तय करना है खाट पे बैठ के ये बोलने वाले बनोगे, अरे ये तो मेरे को खूब प्लान दिखाने आता था, अरे एमडी साहब को तो यार खूब रात को 8 बजे बोलते थे ना जूम पे आना, एमडी साहब जूम पे आते थे, क्या बात कर रहे हो यार तुम, ये बनना है या फिर ये बनना है, यार ये जो जगवार में घूम रहा है ना यार ये मेरे पास आता, मजेदारी तो उसमें है ना यार। और बनोगे इन दोनों में से कोई ना कोई, आप ये ध्यान रखो बनोगे तो पक्का, या तो मर्सिडीज जैगवार लेके एक सफल व्यक्ति बनोगे, खाली मर्सिडीज जैगवार का मैं नाम ले रहा हूं, या तो बड़ी सफलता लेके एक सक्सेसफुल लीडर बनोगे, या फिर ये कहने वाले बनोगे अरे यार हम तो उस कंपनी में तब थे जब कंपनी में कुछ नहीं था भाई, किराए के ऑफिस में कंपनी बैठी थी, तो क्या गया अजय शर्मा जी से तो यार अब तो आप मिलने के लिए यार अपॉइंटमेंट लेना पड़ता, अच्छा यार हम तो तब फोन करते थे अजय शर्मा तो भागा भागा बिहार में आ जाता था, उड़ीसा में आ जाता था, नोएडा में आ जाता था, हम तो सर 5 आदमियों को बैठाते थे बड़े आराम से, मीटिंग होती थी 4-4 घंटे बैठे रहते थे, यार क्या बात कर रहे हो तुम। वक्त बदलेगा सर और बदलता है सर, आपको तय करना है आप कौन से वाले। तो आशा करता हूं ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी और एक सीरियसनेस के साथ इस बिजनेस को आज के बाद शुरू करेंगे। मैं तो हमेशा से ये समझाऊंगा, मेरा तो कर्तव्य हर बार आऊंगा यही समझाऊंगा, आप समझो आप ना समझो वो आपकी किस्मत, मैं दे रहा हूं आप ले रहे हो नहीं ले रहे हो मुझे कोई फर्क नहीं। हमने तो एक कहानी एक किताब में सुनी थी कि एक बुजुर्ग व्यक्ति था समुद्र के किनारे टहल रहा था,
और समुद्र के किनारे बहुत तेजी से लहर आती थी, तो छोटी छोटी स्टारफिश, छोटी छोटी जो होती हैं, वो उस लहर में उछल के बाहर आके गिर जाती हैं, जो तड़पती थी, और बहुत सारी थी, बहुत सारी थी, लाइन लगी थी। एक बुजुर्ग व्यक्ति जिससे सही तरीके से चला भी नहीं जा रहा था, वो झुकता था, अपने हाथ में मुट्ठी में कुछ छोटी छोटी मछलियां पकड़ता था जो तड़प रही थी, और उठा के वापिस समुद्र में फेंकता था। चार पांच मंचले जो वहां बियर वियर पी रहे थे, तो पागल बुड्ढा यार, एक बार लहर आती है हजारों मछलियां बाहर आ जाती हैं, ये कर क्या रहा है? एक ने कहा पूछते हैं, उसने कहा बाबा कर क्या रहे हो? उसने कहा यार इतने ये मछली है कि जान बचा। उसने कहा इससे क्या फर्क पड़ता है, हजार में है, तुम दो फेंकते हो हजार में, ये इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्या फर्क पड़ रहा है इससे? वो बाबा नीचे झुका, हाथ में छोटी छोटी दो तीन मछली आई, उसने कहा किसी को फर्क पड़ता हो ना पड़ता हो, इसको फर्क पड़ता है, पानी में फेंक दिया। तो हमें मालूम है कोई लीडर जगेगा सर, हम अपना कर्म निभा रहे, और हमें मालूम है जो भी कर्म आप करते हो वो व्यर्थ नहीं जाता है, ये ध्यान रखें। जो भी कर्म आप कर रहे हो इस दुनिया में, इस यूनिवर्स में, वो कभी व्यर्थ नहीं जाएगा, उसका रिजल्ट कई गुना आपको 100% मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा, मिलेगा जरूर। ये यूनिवर्स का सिद्धांत है, ये कुदरत का सिद्धांत है कि जो एक्शन आप ले रहे हो ना, आप एक्शन लेते रहो, उसका रिजल्ट तो दबा के मिलेगा दोस्त। आप खाली बैठे हो उसका रिजल्ट भी मिलेगा, आप कुछ नहीं कर रहे उसका रिजल्ट भी मिलेगा, आप नेगेटिव हो उसका रिजल्ट भी मिलेगा, आप बहुत ज्यादा गलत सोचते हो उसका रिजल्ट भी मिलेगा, आप पॉजिटिव हो उसका रिजल्ट भी मिलेगा, आप बहुत मेहनत कर रहे हो उसका रिजल्ट भी मिलेगा, आप मेहनत कर रहे हो अभी को रिजल्ट नहीं मिला, उसका भी रिजल्ट यूनिवर्स तय कर चुकी है मिलेगा कई गुना ज्यादा। एक्शन लेने वाले को भी रिजल्ट मिलता है और ना एक्शन लेने वाले को भी रिजल्ट मिलता है, रिजल्ट तो मिलता है और कई गुना मिलता है। और ये सिद्धांत हमें मालूम है, हम काम किए जा रहे हैं, इसलिए हमें टेंशन नहीं होती, इसलिए हमें परेशान। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट, वी कैन अचीव एवरीथिंग। मन से काम कीजिए, शिद्दत के साथ काम कीजिए, टीम वर्क काम कीजिए सर। चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, थैंक यू सो मच। मेरा यही रहता है कि भाई आप एक अच्छे लीडर बने, मेहनत करें और एक बड़ी सफलता को आप प्राप्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।